अस्सलामुअलैकुम, मैं नवीन मोहन, आप देख रहे हैं दी टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज और अपडेट्स को। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोग PSL के अंदर किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो। मैं तो लाहौर को ही सपोर्ट कर रहा हूँ और हमारे पिछले काफ़ी सालों से जो लॉयल्टी है वो चेक की जा रही है। तो आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप किस शहर से हो, किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि हर सिटी की तो टीम नहीं है। आपकी नियरेस्ट जो भी सिटी है या फिर किसी भी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हो, नीचे कमेंट लाजमी तौर पर कीजिएगा। इसके अलावा कल मैंने जो सैमसंग गलेक्सी A32 की वीडियो अपलोड की थी वो 5 मिनट से काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, इसलिए मैंने उसको टेक क्लिप्स के अंदर ऐड नहीं किया था। मैंने मेंशन भी नहीं किया कहीं पर भी वीडियो के अंदर कि ये टेक क्लिप्स की एक नई वीडियो है। वो हमारी जनरल वीडियो थी और हम लोग ऐसे ही किया करेंगे, जो वीडियो 5 मिनट से काफ़ी ज़्यादा ही ऊपर जाएगी तो हम लोग उसको टेक क्लिप्स के अंदर ऐड नहीं करेंगे। अगर 5 मिनट से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है तो वो तो इतना तो बनता ही है ना, क्योंकि मेरे पास इतनी कोई प्रिसाइज टेक्नोलॉजी नहीं है कि मैं 5 या फिर 3 मिनट के दरमियान में वीडियो को रख सकूं। बात करें आज की पहली अपडेट की जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ रही है, तो पाकिस्तान की साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने ई वोटिंग की मशीन तैयार कर ली हुई है पाकिस्तान के अंदर, जिसके थ्रू आप लोग ई वोटिंग कर सकोगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब कितनी ज़्यादा ये अच्छी तरह चलती है ये तो बाद में पता चलेगी, लेकिन इसके अंदर दो काम होंगे। एक तो आपकी इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग रजिस्टर होगी, उसके अलावा प्रिंट भी ये करेगी, आप लोग जो वोट डालोगे उसको प्रिंट भी किया जाएगा। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि अगर आपकी एक दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शामिल होगी ये सिस्टम के अंदर तो आप लोगों को उसको प्रिंट करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन मे भी ये रिक्वायरमेंट अभी देखते हैं कि ये किस तरह काम करती है और फ्यूचर के अंदर हमारी जो वोटिंग होती है वो इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर शिफ्ट होती है या फिर नहीं होती। अगली अपडेट की बात करें जो कि यार ये हुआवे के रिलेटेड, तो हुआवे ने Mate X2 को अनाउंस कर दिया हुआ है। स्पेसिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा कमाल की हैं, लेकिन हम लोग स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दो चीज़ों को मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। पहली तो है इसका डिज़ाइन। हुआवे ने डिज़ाइन को टोटली तौर पर चेंज कर दिया। हमारे जो नॉर्मल ट्रेडिशनल हमें फोल्डिंग फोन्स का डिज़ाइन मिल रहे हैं वो इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि बेसिकली है इनवर्ट फोल्ड। दो स्क्रीनें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। एक काम जो कि हुआवे ने काफ़ी इंटरेस्टिंग किया हुई है कि जब हम लोग इसको फोल्ड करेंगे तो बीच में जो स्पेस होती है, जो गैप होती है, उसको काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज कर दिया हुआ। बेसिकली हुआवे ने डिस्प्ले की जो स्लोप्स हैं वो बना दी हुई हैं, आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। इसकी वजह से जो गैप होता है ना डिस्प्ले के दरमियान जब हम लोग फोल्ड करते हैं फ़ोन को, तो वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा। प्राइस की बात करें तो $2700, $2800, $3000 को ये टच करी है, तो हम लोग इसको एक दफ़ा इग्नोर करते हैं। हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट की जो कि आ रही है स्पॉटिफाई के रिलेटेड। तो भाई स्पॉटिफाई ने ये चीज़ कन्फर्म कर दी है कि वो पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली तौर पर आ रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रहे, 80+ कंट्रीज़ के अंदर वो लोग आ रहे हैं, जिसके अंदर दूसरे कंट्रीज़ भी शामिल हैं। वैसे स्पॉटिफाई का इंस्टाग्राम के ऊपर पाकिस्तान का जो डेडिकेटेड पेज था वो तो हम लोग काफ़ी देर से ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके ऊपर भी स्पॉटिफाई ने कुछ टीजिंग और जो पोस्ट वगैरह वो शेयर करना स्टार्ट कर दी हुई हैं, लेकिन मुझे तो नहीं चाहिए स्पॉटिफाई। आप लोगों को स्पॉटिफाई चाहिए या फिर नहीं चाहिए नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर देगा। मैंने तो YouTube के ऊपर ही सॉन्ग सुनने होते हैं और YouTube को अच्छी तरह पता है कि मुझे कौन से गाने पसंद हैं, वही रिकमेंड कर रहा होता है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन Spotify। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है Xiaomi के रिलेटेड, तो भाई Xiaomi ने इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन कर दी हुई है कि वो अभी फ़िलहाल के लिए अपनी कार के ऊपर काम नहीं करे। हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों के अंदर Xiaomi की कार के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा हाइप को देखा। हम लोगों ने भी इस वीडियो ने हमारे टेक शो के अंदर बात की थी, तो Xiaomi की तरफ से ये कहा गया कि हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट तो अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया, इसको वेरीफाई नहीं किया, हम लोगों ने इसको अप्रूव नहीं किया, मतलब कि वो काम करें उन्होंने डिनाई भी नहीं किया इस चीज़ को। और मुझे भी पसंद हो पर ये लगता है कि ये डेफिनेटली काम कर ही रहे हैं, जिस तरह एप्पल ने भी इस चीज़ को कन्फर्म नहीं किया। एप्पल के बारे में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे थे, तो Xiaomi भी डेफिनेटली काम कर ही रहा। देखते हैं कि भाई ये ऑफिशियली तौर पर चीज़ों को कब अनाउंस करते हैं। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है हुआवे के रिलेटेड, तो आप लोगों को पता है कि हुआवे का स्मार्टफोन्स का तो बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहा है, इसलिए हुआवे साइड बिज़नेस को थोड़ा बहुत देख रहा है। तो अभी रिसेंटली हुआवे ने क्या किया कि जो पिग फार्मिंग होती है ना, उसके अंदर अपनी टेक्नोलॉजी को वो अपनी एक्सपर्टीज़ को प्रोवाइड करेगा। पता नहीं किस तरह प्रोवाइड करेगा, लेकिन जो फार्मिंग होती है हमारे यहाँ पर तो पिग्स का नहीं है इतना सही, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा बिज़नेस है। तो AI को यूज़ किया जाएगा, फेशियल रिकग्निशन को यूज़ किया जाएगा हुआवे की जो टेक्नोलॉजी है, और पता नहीं भाई बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें चलेगी। इसके बाद अगली अपडेट भी हुआवे के रिलेटेड ही आ रही है, जो कि आ रही है हार्मनी ओएस को लेके। तो हुआवे इस वक्त बीटा वर्जन के ऊपर तो काम कर ही रहा है, कुछ डिवाइसेस के अंदर बीटा वर्जन के अपडेट हमें देखने को मिल रही है, लेकिन ये चीज़ कही जा रही है कि April 2021 के अंदर हुआवे के हार्मनी ओएस की जो स्टेबल अपडेट है हुआवे के फ्लैगशिप कुछ स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिल जाएगी, मतलब कि जो प्रॉपर अपडेट होती है वो आ जाएगी, जो यूज़र्स है उसको यूज़ कर पाएंगे। इनिशियली तौर पर किन डिवाइसेज के अंदर आती है ये तो बाद में बात में पता चलेगी, लेकिन जो डिवाइसेज MIUI 11 को सपोर्ट कर रही होंगी उनके अंदर आएगी। लेकिन हुआवे का जो प्लान है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी
एक्सटेंड करेगा, इसको स्ट्रेच करेगा नीचे वाले डिवाइसेस के ऊपर भी। लेकिन अगर आप लोग हुआवे का फ़ोन यूज़ कर रहे हो और आप लोग लेटेस्ट कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों को बहुत जल्द हार्मनी ओएस की अपडेट देखने को मिल जाएगी। अगली अपडेट आ रही है सैमसंग के एआर वीआर हेडसेट्स को लेकर। तो अभी रिसेंटली एक टीजर वीडियो सामने आई है जो कि लीक हुई है, कंसेप्ट वीडियो है जिसके अंदर दिखाया गया कि सैमसंग के एआर वीआर ग्लासेस किस तरह काम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको ग्लासेस लाइट कहा जाएगा। अब मेरे माइंड के अंदर जब फर्स्ट इंप्रेशन आए थे, जब मेरे माइंड के अंदर फर्स्ट थॉट्स आए थे इस वीडियो को देखकर, वो ये थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ग्लासेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेफ्टी हैं, काफ़ी भारे लग रहे हैं और कुछ फेक टाइप के मुझे लग रहे हैं। दूसरी चीज़ ये आई थी कि लग रहा था किसी ब्लाइंड पर्सन ने पहने हुए ग्लासेस को, मतलब कि अंदर ही होता जाता कोई उस तरह की, मुझे इस मॉडल के ऊपर देखकर फील आ रही थी। क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि वर्चुअली डिस्प्ले को देख रहा था, उसका जो ध्यान था वो नहीं था इस रियल एनवायरनमेंट के ऊपर। अच्छा, बात करते हैं इसके फीचर्स की, तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की टेक्नोलॉजी। आप लोग डिस्प्ले को एयर के अंदर प्रोजेक्ट कर पाओगे, आप लोगों को ग्लासेस के अंदर काफ़ी बड़ी स्क्रीन मिल जाएगी। इसको लेके मेरे माइंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशंस भी हैं कि इसकी हमें क्वालिटी किस किस्म की मिलेगी, हमारे लिए ये वाला डिस्प्ले फिजिबल होगा भी या फिर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग डिस्प्ले को हवा के अंदर प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो सराउंडिंग्स होंगी वो किस तरह काम करेंगी, क्योंकि हमारा फोकस होगा वो कितना होगा। लेकिन सैमसंग इसके ऊपर काम कर ही रहा है और ये जो सारी कंपनीज हैं, एप्पल भी एआर वीआर ग्लासेस के ऊपर काम कर रहा है, मुझे लगता है कि इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के ऊपर लगी हुई है कि जो एक्सपीरियंस होगा हमारा, क्या वो इस लिए इतना ज़्यादा वर्थ इट होगा कि हम लोग एक डिवाइस को पहने जो कि हमें एक वर्चुअल डिस्प्ले दिखाए, कंपैरेटिवली हमारे ये जो नॉर्मल डिस्प्लेज हैं वो कितनी क्वालिटी को प्रोवाइड करेगा ये तो बाद में पता चलेगा। उसके अलावा जो प्राइस का फैक्टर होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद अगली काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है शाओमी के रिलेटेड। तो भाई कल शाओमी के जो नोट 10 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स के बॉक्सेज हैं वो दुनिया में इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडमी नोट 10 के बॉक्स की पिक्चर लीक हुई है जिसके ऊपर हमें डिज़ाइन क्लियरली तौर पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक एक कम्बिनेशन है मी 10 टी और रेडमी 9 टी का। फ्रंट के ऊपर हमें पंच होल मिल रहा है। अब तक मुझे लगता है कि आप लोगों ने बॉक्स के नीचे वाली साइड के ऊपर भी देख लिया होगा जहां पर लिखा हुआ है फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा, यानी कि हमें रेडमी नोट 10 के अंदर फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाला, जो कि काफी कमाल की चीज है। मैं अपने माइंड के थोड़ा बहुत ये भी सोच रहा हूं किसने यहां पर फोटोशॉप तो नहीं किया, लेकिन ये फोटोशॉप लग नहीं रहा, काफी हद तक क्लैरिटी है बॉक्स के अंदर और जो सोर्सेज है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसके अलावा एक और रेडमी नोट 10 प्रो के बॉक्स की पिक्चर भी लीक हुई है जहां पर हमें एमोलेड टाइप कोई चीज तो नजर नहीं आ रही। मैं इसके ऊपर ढूंढ रहा था कहां पर लिखा हुआ एमोलेड डिस्प्ले, लेकिन ये चीज कही जा रही है कि रेडमी नोट 10 प्रो के अंदर हमें आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले मिलेगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि बाद में मुझे लगा काफी एक अच्छी चीज है कि जिस बंदे को एमोलेड डिस्प्ले चाहिए वो उसकी तरफ जा सकता है, जिसको हायर रिफ्रेश रेट चाहिए वो उसकी तरफ जा सकता है। तो ये अब तक की अपडेट आ रही है। उसके अलावा काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग चीजें भी आ रही हैं, अपडेट्स भी आ रही, काफी कंफ्यूजिंग आ रही हैं कि किस वेरिएंट की क्या अपडेट है, किस वेरिएंट के अंदर हमें क्या चीजें मिलेंगी। की तरफ हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि इनिशियल तौर पर तीन मॉडल एक्सपेक्टेड हैं कि Redmi Note 10 Pro और Pro Max, इसलिए इनकी जो आपस में स्पेसिफिकेशंस हैं, न्यूज़ हैं वो भी काफ़ी मिक्स हो रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात AMOLED डिस्प्ले है जो कि हमें चाहिए था किसी फ़ोन के अंदर, तो होप्स हो कि हमें Redmi Note 10 के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स थी डिस्कस करने के लिए। वीडियो को ख़त्म करते जाने से पहले आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। चैनल के ऊपर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।